गाइस पापा ने आज सफाई अभियान स्टार्ट किया है, पंखों की सफाई एकदम चमका दिया है पापा, सारे साफ कर दिए, लॉबी के भी कर दिए, सब कर दिए। वाह क्या बात है, ये देखो ये भी एकदम क्लीन लग रहा है, ये भी चल रहा है एकदम क्लीन, चमक रहे हैं गाइस। ड्राइंग रूम में भी हो गया, इस कमरे में हुआ क्या, एक तो यार बताती हूँ तंग कर रखा है, वाह सारे मतलब क्लीन कर दिए। हेलो गाइस, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। तो यार टाइम हो गया 11:30 होन वाले हन, तो लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया है, तुहानू पता है थोड़ा जहा तूफान चलिया, थोड़ी जी बारिश हुई राती थी, लाइट बंद है, बीच आई सी 15-20 मिनट, थोड़ा ए सी चलिया, मैं उसे सुती हाँ कोई 4 बजे नाल, फिर तो चली गई, और वो टाइम है और अज का टाइम है 11:30 हो गए, लाइट बिल्कुल नहीं आई। यार किस किस दे इलाके में लाइट बंद है कमेंट करके ज़रूर दसना, क्योंकि मुझे सुबह मेरी फ्रेंड का भी मैसेज आया था कि यार वहाँ लाइट है कि नहीं, मुझे लगा चलो ये तो उधर भी बंद है, ज़्यादा गर्मी हो जाए ट्रांसफार्मर में डब्बे सड़ जाते हैं, थोड़ी सी बारिश हो जाए तारें टूट जाती हैं, जैसे पता नहीं धागों की तारें लगाई हैं, बहुत दुखी करके रखा है, अभी इन्वर्टर ही चल रहा है रात से, पता नहीं अभी कितनी देर साथ देता है। तो गाइज़ अभी मैंने थोड़े बाल बनाए, नहा वहा के आई, तो पापा बोलते बड़ी गर्मी है यार क्या करें कहाँ चले, तो आज हमें बाहर जाना है, कुछ काम है, एक बताएंगे आपको थोड़ी देर के बाद, स्टे ट्यून्ड। तो आप भी कर लो यार अपना काम, सुबह सुबह हम भी करते हैं अपना काम। क्या हुआ अर्षी, किसको ढूंढ रही हो? कॉकरोच क्या कर रहा था? रात को बेड के ऊपर लेटा था मेरे ऊपर। रात को तेरे ऊपर कहाँ? गाइस रात को लाइट बंद थी और ये मुझे बोल रही थी कुछ खा रहा है, इसके ऊपर कॉकरोच लेटा था। पता मैं यहाँ बैठी थी ना, यहाँ से ऊपर चढ़ के आया, यहाँ 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 घुस गया, उसको पकड़ने की कोशिश की, वो यहाँ पे कोने में घुस गया, सोच रहे हिट मारे इसको। प्लीज मेरे रूम से निकालो इसको, मैं रात को सो नहीं पाऊंगी। कुछ नहीं करेगा, करेगा फिर अर्शी सुबह सुबह नहाने चली गई घर थी, मेरे ऊपर कॉकरोच फिर गया रात को। गाइस मैं बैठने लगी थी पढ़ने, पापा कहते बड़ी गर्मी है बड़ी गर्मी है, फिर मैंने याद आया कि मैं पापा भी हमें बड़ी जल्दी ऐसे फिर गाइज हमने मैंने सोचा लेमोनेड बनाते हैं, अर्शी तो दूध बना के फ्री हो गई थी, लेमोनेड जो बनाती हूँ ना मैं मोइटो वाला, पुदीना डाल के लिमका डाल के वो बनाती हूँ, सबको पिलाती हूँ ठंडा ठंडा, 12:15 हो गया, 12 बजे तक फ्री होके फिर पढ़ती हूँ मैं। गाइज आज मैं थोड़ी बड़ी पतीली में बना रही हूँ जग की जगह, ताकि थोड़ी ज़्यादा बने, पुदीना लेके आई हूँ उसको मैं पीसूँगी चीनी और उसके साथ, फिर एंड में जलजीरा डाल के पूरा जब बनता तब बनाते, और लाइट आ गई है फाइनली गाइस। देखो गाइस मैंने इसमें लिमका ऐड कर दिया, अभी शुगर ऐड की है, इसको मिक्स करूँगी, बर्फ नींबू पुदीना, फिर इसको छान के पीएंगे और जितना बचा बॉटल्स में रख देंगे फ्रीजर में। गाइस ये थोड़ा सा ब्राउन इसलिए हो गया क्योंकि मैंने पहले चीनी डाल दी थी, मम्मा ने बोला शक्कर है, शक्कर तो ठंडी होती है और अच्छी भी होती है, फिर मैंने शक्कर डाली तो ब्राउन होती है ना। गाइस ये देखो ये तो पूरी रेडी खोल बैठी है, वाह वाह लगते बड़ा डिलीशियस रहे और अच्छा रहे है, काफी टेस्ट। ड्रिंक बन रही है, कौन सी ड्रिंक है? पापा डर क्यों रहे हो? डर रही आप? कैसी है? नाम क्या है ड्रिंक का? मोइटो। मोइटो। लेमन मोइटो। लेमोनेड। ये पुदीना डाला हुआ है? पुदीना, जल जीरा, नींबू और लोगे? गाइस ये देखो कितना सही लग रहा है, ये एक्स्ट्रा बच गया, ये मैंने रख दिया जग में, ये एक बॉटल में स्टोर करके रखा है, ये भी एक्स्ट्रा है और ये मेरी बॉटल है, इसको पीऊंगी मैं। गाइस आज टाइम देख लो 12:15, अब जाके मैं अपना लैपटॉप ऑन कर रही हूँ क्योंकि मैं ये बनाने में लग गई थी, बड़ा टेस्टी। अच्छा कैसा बना है? टेस्टी बना यार गाइस। काम पौने तो कि थोड़ा बहुत कर लिया तो भूख शूख लगी थी, मम्मा को ना चलो खाना शाना खाते हैं, तो मम्मा बना रहे हैं, तो मम्मा बना रहे हैं चपाती सब्जी और लस्सी, यार हमारे घर पर लस्सी ज़्यादा चल रही है, गर्मी का सीज़न है इसीलिए। हेलो मम्मा। हाँ जी। क्या बनाया है? बनाई है हमने, फ्रेश चटनी बनाई आज फिर से आम की,
मम्मा बना रहे चपाती। गाइस पापा को दे दिया खाना। अर्शी भी आ गई बाहर, पर पहले मैं लूंगी खाना। मैं है नहीं गाइस, पंजाब वाली थाली लग रही है। नहीं लंच कर लिया। बाहर आज अच्छा सुहावना मौसम है ना। अज गाइज इस तरह होंदा सी ना कि मौसम ऐसा होंदा सी लेकिन लू चल रही होंदी सी, हवा गर्म होंदी सी, लेकिन अज क्या है मौसम ऐसा बट हवा थोड़ी ठंडी है। इसलिए यहाँ पर आज से कॉकरोच घूम रहा है। तो मैं बैठी थी चेयर पे, मुझे बोलते हिलना नहीं हिलना नहीं, बिल्कुल तेरे बाजू के पीछे लटका हुआ है, तेरे बाजू के पीछे लटका हुआ है। भगवान करे तेरे सिर पे रात को चार कॉकरोच सोएं। बैठा था ना। ये लोगों के पढ़ने का तरीका बहुत अलग तरीका होता है गाइस। ये देखो यार, ये देख मैं क्या बनी थी, तू मैं क्या शो कर रही हूँ। जी जी बनी थी मैं भी शो कर रही हूँ। अच्छा तेरी शर्ट देख लिखा था आईलेट्स। आईलेट्स नहीं लगे था, लेट्स फाइंड सम ब्यूटीफुल प्लेस। चल ना यार फिर मन नहीं दिखा लिया यार अर्शी। तो गाइस मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, फ़ोन ही चला रही थी वैसे लेट के। पापा आए, पापा बोलते तैयार हो जाओ, अर्शी शहर नहीं जाएगी, इधर ही जाना है पास में। वो जो आपको बताया था ना डाइनिंग टेबल वाले जो मसला हो गया था, उसने बोला चेयर्स बनेगी आके देख जाओ और ले जाओ, तो लेके आते हैं। चलो आज फिर डाइनिंग टेबल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और हमें ये वाला मार्बल वाला वापस भी करना है क्योंकि दूसरा लाना है। चलो फिर देखते हैं क्या बनता है। हो गई तैयार। तैयार क्या यार, चोटी की है लेकिन यार बाल ना मेरे बिल्कुल नहीं बन रहे थे। मैंने संडे को सिर धोया था, पूरा हफ्ता हो गया मैंने सिर ही नहीं धोया। घर पर मैंने कहाँ जाना है, सिर क्या धोना है, संडे को धोंगी फिर से। तो अभी मैं मम्मा और पापा निकल रहे, मैंने सुबह थोड़ा पढ़ लिया था इसलिए जा रही हूँ, वरना मम्मी पापा ही जाते हैं। तो अभी देखते हैं उसने क्या बनाया, फिट आएगा कि नहीं, और कैसा बनाया, जैसे बताया था वैसा बनाया भी है कि नहीं। क्यों यार कैली रुआ दी, कैली रुआ दी, कैली रुआ दी, तू घर बहुत निगरानी कर। चल ठीक है, चंगी गल है, शैल गल है बड़ी। चल पिछे की करा दी यार, मरना तू मेरे पिछा। ओहो गाइज ये मैं क्या देख रही हूँ, लंच के बाद मैं अभी आई हूँ बाहर। धूप देखो और आसमान एकदम क्लियर, मतलब सवेरे बारिश चढ़ी दी सी, ठंडा मौसम, अब लू फिर से स्टार्ट है और धूप। की है यार मौसम तो कोई दीनमान है कि नहीं यार, पता नहीं किधर गई बारिश, छू मंत्र होगी। कुछ नहीं करती बारिश, आती मतलब रात को आती है थोड़ी सी 10-15 मिनट, लाइट उड़ा के ले जाती है, बस यही काम है बारिश का। गाइज हम पहुंचे हैं गंग्याल, ट्रक ही ट्रक का इलाका है गंग्याल, फैक्ट्रीज हैं तो ट्रक। गाइज हम पहुंच गए हैं शॉप पे, अब देखते हैं। अब हम आए हैं टेबल देखने गाइज, मार्बल भी चेंज करना आपको बताया था ना, यहाँ से कर लिया सिलेक्ट जो हमें लेना है। अभी हम वापस चलते हैं यहाँ से, अभी लोड करवाना पड़ेगा कैरियर पे। लिफ्ट कहाँ गए अंकल, वापिस घर के लिए। हुआ ये कि चेयर देखी है, बनाया है उन्होंने, अब फिट करके देखेंगे आती है कि नहीं। तो भैया बोल रहे कि आज ना ऑटो है कोई ना लेबर है, तो फिर उस सामान कैसे चढ़ाना और कैसे आएगा। फिर बोलते एड्रेस दे जाओ, सुबह भेज देंगे। तो देखते हैं फिर कल ना आएंगे फिर से लेने, और क्या कर सकते हैं फिर। इसमें आ गई अपनी दीदी के पास वापिस। दीदी बिल्ली क्या हुआ, बिल्ली नींद आई है, मुझे भी बहुत गाइस इतनी नींद आई थी, मुझे लगा रात भी सारी नींद पूरी नहीं हुई है जिस करके नींद आ रही है। सो गाइस हम इतनी कोई यार बना मेरे बना नहीं दे रही है ना, कर मरूंगी मैं हैंड यूज की, तो तू लाइक क्यों यूज की थी, तो क्यों करे करती है पागल जी डायन। सो क्यों जा यार, मैंने दे दी, मैं उनको नहीं देने में। गाइस मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ पीछे से बाजू वो कर रही है, मैंने इसकी बुक यहाँ रख दी है, पीछे हो जा तेरी बुक ले रही है। नहीं लेनी बुक तू। यार मादी मेरी पढ़ाई नल क्यों ऐसी कर रही है, ऐसी क्या कर रही है, तेनू मैं बोल रहा नहीं कर, मैंने इरिटेट हुई दिया तेरी, इरिटेट हुई दिया मेरी की गलती है, क्यों कर रही है बार बार रिकॉर्ड कर रही है, हाथ मारी करती है, पागल। अगर तू किता ना हूं फिर देख ले, जी तू मेरी बाँ लाई देख ले, तेरा क्या हशर रहेगा, बस याद रखी पहले मैंने बता दे, दसांगी नहीं तू बाद ही देखी, वेट एंड वॉच देन।
सो गाइज अगर उसने किया ना इसको मैं चटनी बना दूंगी, कर रही है लेकिन। सो गाइज खाने मम्मा चाय से बना के लाया। हाँ भूखी के खाओ क्या यहाँ पे। गाइस देखो मैंने क्या लाया है, छुटकू फैन। आपने देखा होगा पहले मैंने एक और फैन लिया था एसएम वीडियो के बार वाली मार्केट से, बट वो ना गाइस बड़ी स्मेल करता था। दस मिनट चलता था फिर स्मेल करता था, दस मिनट चलता था फिर स्मेल करता था, जिस जलने की स्मेल नहीं होती। फिर मैंने वापस कर दिया था। फिर मैं आज वैसे तो देखने गई थी, वैसे तो मैं आज देखने गई थी कि कूलर मिल जाए छोटा, पर बड़े ही हैं कूलर, छोटा कोई नहीं मिल रहा। जो ऑनलाइन मिल रहे हैं छोटे वो किसी काम के नहीं लग रहे, इसलिए मैं ये लेके आ गई। पापा इसकी वो हाइट एडजस्ट कर रहे हैं थोड़ी। थोड़ी देर ना लेट गई थी, मुझे हल्का सा सर दर्द हो रहा था, तो यार आज भी डाइनिंग टेबल नहीं मिल पाया। मतलब महीना हो गया इसके पीछे लगे हुए, उसके पहले भी 5-6 महीने हो गए थे। हमने सोचा था अभी मिल जाएगा, बोल रहे अभी लेबर नहीं है, और ऊपर से अच्छी बात है कि नहीं लाया क्योंकि रास्ते में शायद बारिश लगी जाती। मौसम जो है कि बड़ा ऐसे हो गया हुआ है, बारिश शारिश वाला। बारिश आई भी है काफ़ी, तो अभी भी ऊपर चढ़ी हुई है, और तो हो सकता है यू नेवर नो कब बारिश आ जाए बीच में, तो वो पूरा ख़राब हो जाता। भगवान जो करता है अच्छा करता है। टीवी देख रहे हैं, लग रही है ना बाजार वाली दाल जैसे मंगाई हो कहीं से। तो ये है येलो वाली दाल, साथ में हरी सब्जी और सैलेड चटनी। करते हैं डिनर, आ जाओ पापा। हमने अभी डिनर किया, आपने डिनर कर लिया? अभी नहीं। ये देखो ये छुटपुट फिर से आ गया है, ये इसको आज इसको यूक्रेले सीखना ही सीखना है ना गाइस। इसको कहते हैं इंटरेस्ट। कहती आज मैं आ नहीं पाई हूँ, आज मैं लेट हो गई, ऐसे 6 बजे आती है, आज मैं लेट हो गई, तो आज मेरे को सिखाओ है ना। आज मेरी मासी आई है। मासी आए हैं, चलो आपको थोड़ा सा और सिखाते हैं अगला लेसन। इतने मैं बोल रही हूँ चल सो आ, गुर्जर स्टाइल देखो, भूत नहीं लग रही है बिल्कुल। कैसे लग रहा है? भूत नहीं। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे कराऊँ, इसमें देख रही थी कि क्या अच्छा लगेगा, स्ट्रेटनिंग अच्छी लगेगी, परमानेंट स्ट्रेट करवा लूँ, या तो घोड़ा की दुम लगेगी, और तो क्या कराना चाहिए, या तो ऐसे ऐसे ही रहने चाहिए, बेबी वाले कर्ल्स नहीं होते ऐसे ऐसे, बेबी वाले कर्ल्स वो लगेगी, जैक एंड जॉन्स। लड़कियों जिनको अंदाजा है कि क्या चीज अच्छी लगेगी फेस के अकॉर्डिंग, तो कमेंट करके जरूर बताना। कुछ भी नहीं कराएगी इसके, मैं तेल लगा के चिमपी करके गुत्ते बनाऊंगी टाइट, कर्ली कराऊं और बेबी कराऊं। चले थे कल सरसों का तेल ले आई, वो करके तेरी थी मीडिया करके चिमड़ियां गुत्ता करांगी, ठीक है? लड़कियां बताओ क्या कराऊं। दस दिया तेन लड़कियां ऊपर देखा उनको गुड नाइट बोल। गाइस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखो अच्छी बात बोली है ना कि नहीं कराना चाहिए, केमिकल होता है, सरसों का तेल सबसे बेस्ट है, वो लगाओ और अपने बाल तो अपने... गोबर भी बेस्ट है मुंह पर लगाया कर दानों के लिए। मैं हल्दी लगाती हूँ ना, मैं कोई केमिकल ट्रीटमेंट ले रही हूँ? ऐसे तो कितने कार्बन पीलिंग हाइड्राफेशियल कितना कुछ है, मैं करा रही हूँ। और गाइस यार मैं थक गई हूँ आज। केराटिन कराते नहीं थक रही गाइस? एक चीज देख रहे हो ये देखो दर्द वाला दाना, ये देखो भी हम डीट है, हमें बाहर का डाइनिंग टेबल नहीं मिला, स्याप हो गया। फिर उसके बाद दूसरी बारी में पखा लैन गई, पखा लैके गई, शायद कुछ हो जाए, तो मैं बड़ी थक गई हूं, मैं लगी हूं सोन। अब यही एंड करते हैं यार, ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही एड्स को स्किप मत करना आगे। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।